अल्लाह ताला को अगर आपने पहचानना है तो इस आयत पे गौर करें। अगर आप तदब्बुर करना चाहते हैं, बैठ के सोचना चाहते हैं क्रिएटर कितना ग्रेट है, क्या है क्रिएटर, क्या हस्ती है वो, अगर आप सोचना चाहते हैं इस आयत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अल्लाह कहते हैं चैप्टर 41 वर्स 53, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। We will show them, हम इन्हें दिखाएंगे our signs, अपनी आयात, अपने signs in the horizons, आफाक में, यूनिवर्स में, horizon में, creation of the heaven and the earth में, and wafi anfusihim and within themselves, और इनके अपने अंदर हम इन्हें signs दिखाएंगे, hatta yatabayyana lahum annahul haq, यहां तक के इनको 100% sure हो जाएगा कि ये हक है, कि इन्हें बनाने वाला मैं हूं और इनका खालिक है, और ये कि ये कुरान हक है, ये वही हक है, और ये दीन हक है, इस्लाम हक है, इन्हें 100% श्योर हो जाएगा। लेकिन अवलम यकफी बि रब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शयइन शहीद, लेकिन क्या तेरे लिए काफी नहीं है कि तेरा अपना रब शहादत दे रहा। अल्लाहु अकबर, फेथ डिमांड की अल्लाह ने कि तुझे दिखा दूंगा मैं, अगर देखने निकलेगा तुझे होराइजन में साइन दिखा दूंगा, तेरी अपनी क्रिएशन के अंदर तुझे साइन दिखा दूंगा। आज मेडिकल साइंस कैसी कैसी चीज़ें हमें बता रही है, द ह्यूमन बॉडी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, द ह्यूमन माइंड और फिर है द ह्यूमन बॉडी, ये दो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये देखें जाके, आप डेल्व डीप करें अपने अंदर कि आप क्या क्रिएचर हैं, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। एक चीज़ सिर्फ आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे विद इन योर सेल्फ के हवाले से, DNA, इंशाल्लाह आई विल कम टू इट, DNA के बारे में आपको बताऊँगा कि वो चीज़ क्या है DNA। अल्लाह कहता है तुम्हें दिखा दूंगा मैं सब कुछ, लेकिन क्या तेरे लिए ये काफ़ी नहीं है कि तेरा रब इस बात पे शहीद है कि मैं तेरा क्रिएटर हूँ और ये हक है। तो हमारे लिए यस, ये काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के लिए काफ़ी कि हमारा रब खुद गवाही दे रहा है कि ये कुरान मेरी तरफ से, और वो खुद गवाही दे रहा है कि वो खुद ये कह रहा है कि इसको चैलेंज करो, अगर तुम समझते हो किसी और ने बनाया तो फिर इसको चैलेंज करो। सबसे पहले DNA की मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और अल्लाह की बात आपको सुनाऊँ। चैप्टर 51 सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह कहते हैं वफिल अर्ज़ी आयातुन लिल मुक़िनीन एंड ऑन द अर्थ आर साइंस फॉर दोज मुक़िनीन, कौन है वो जिनको यकीन है, हु हैव फेथ इन अल्लाह, और दुनिया में उन लोगों के लिए साइंस है अगर वो देखें गौर करें, दुनिया की क्रिएशन में भी, दुनिया के लोगों में भी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में भी, वैरायटी ऑफ कलर्स में भी, और मुल्कों में, एरियाज़ में, समंदर में, पहाड़ों में, हर चीज़ में अल्लाह के साइंस छुपे में, किन लोगों के लिए, लिल मुकिनीन, जो यकीन रखने वाले हैं, हु आर सर्टेन इन फेथ, उनको नज़र आ जाएंगे। लेकिन जो ब्लाइंड हैं, जो अंधे हैं, वो कहेंगे कौन से साइंस, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, हालांकि उनके अपने अंदर साइंस छुपे हुए हैं लेकिन मानना नहीं है। वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अपने अंदर, अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखोगे, क्या तुम बसीरत वाले नहीं हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता है। DNA का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग इन इट सेल्फ, ये अल्लाह सुब्हान व तआला का डिवाइन सिग्नेचर है। DNA अल्लाह की कोडिंग, अल्लाह की प्रोग्रामिंग, बायो के स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में जानते हैं। देखें, अगर हम सिर्फ आइस का ही स्ट्रक्चर ले लें ना, बर्फ़ का स्ट्रक्चर ले लें और उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें, आप अगर आप स्टडी करें गूगल खोल के कि आइस का स्ट्रक्चर क्या है, आप उसके क्रिस्टल्स देख के हैरान हो जाएंगे कि उसके क्रिस्टल्स कितने खूबसूरत शेप के हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में, और आइस का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कितना मुख्तलिफ है, क्योंकि वाटर से बनती है ना आइस, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी उसकी आप उसका सीक्वेंस देखें उसके मॉलिक्यूल्स का जाके, जैसे एक एक मॉलिक्यूल उसका सीक्वेंस इस बात की शहादत दे रहा है कि मुझे जो बनाने वाला है, मेरा जो क्रिएटर है, वो एक बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन के साथ मुझे बनाया उसने। आइस की मैंने मिसाल क्यों दी, क्योंकि आइस एक बड़ी खूबसूरत सीक्वेंस के साथ स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे भी कॉम्प्लेक्स तरीन चीज़ की मैं बात करने लगा हूँ, DNA की। DNA उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर क्या है, DNA का साइज़ क्या होता है। सबसे पहले DNA होता क्या है, DNA हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में एक ऐसी चीज़ है, एक केमिकल है, स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागे आपस में जो है वो मिक्सअप हुए हैं और स्ट्रैंड बना रहे हों।
डीएनए के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी सारी कोडिंग है। हमारी आई का कलर क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, सिल्की होंगे, स्ट्रेट होंगे, हमारी बोन्स का सारा स्ट्रक्चर, हमारी उंगलियों का, हमारे फिंगर टिप्स, एवरीथिंग ए टू जी। डीएनए इज द कोड ऑफ लाइफ। डीएनए से बाकी सेल्स बनते हैं। एक सेल उसमें डीएनए होता है, वो एक सेल ट्रिलियन ऑफ सेल्स बनाता है ह्यूमन बॉडी के, और वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स टिश्यूज बनाते हैं और फिर वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और उसके बाद एक मैकेनिकल ह्यूमन बीइंग खड़ा हो जाता है। किस तरह, हाउ कम इज दिस पॉसिबल? डीएनए का साइज कितना होता है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर आप समझते हैं, नैनो होता है 10^-9। 2 नैनोमीटर का ये मतलब है कि अगर मैं अपने हाथ में ह्यूमन हेयर पकड़ूं, एवरेज ह्यूमन हेयर, यहाँ से उतार के एवरेज ह्यूमन हेयर, डीएनए से एवरेज ह्यूमन हेयर 40,000 times बिगर। हमारा जो एवरेज ह्यूमन हेयर है वो डीएनए से 40,000 times लार्जर है। अगर आप डीएनए के कॉइल को अनकॉइल कर दें, डीएनए के ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए इस शेप का होता है, ये डीएनए इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर आप इसको अनकॉइल कर दें, अनकॉइल से मुराद है इसकी गिरा खोल दें, तो एक जो डीएनए है हर सेल में, सॉरी एक सेल में जो डीएनए है वो 6 फीट का होगा, 3 मीटर्स का और 6 फीट का। एक सेल में कितना डीएनए है? 6 फीट डीएनए। ये मैं आपको गोरों की बातें बता रहा हूँ, बहुत कॉमन है, गूगल पे जाके पढ़ लें। ह्यूमन बॉडी में 10 ट्रिलियन सेल्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर 10 बिलियन माइल्स ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए की गिरा खोल दें, धागे एक टाइप होते हैं ना, और उस धागे को बिछा दें एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, तो ये बनेगा 10 बिलियन माइल्स ऑफ डीएनए। सूरज से दुनिया जो है वो 93 माइल्स दूर है, 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन। 93 मिलियन माइल्स दूर है सूरज से हमारी दुनिया। इसका मतलब है कि हमारा जो डीएनए है अगर उसको खोल दिया जाए तो उसके जो धागे हैं वो 61 times बैक एंड फोर्थ अर्थ टू सन हो सकते हैं। ये हमारे अंदर चीज़ मौजूद है। ये किसने उसको गिरा लगाई, उसको स्ट्रैंड्स किसने दिए, वो स्ट्रैंड्स टूटते क्यों नहीं है, वो स्ट्रैंड के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे है, वो किस नैनो स्केल पे कोडिंग चल रही है, प्रोग्रामिंग चल रही है। डीएनए जो होता है ये बेसिकली एक 3D, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, 3D मॉलिक्यूल है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग से मुराद है कि अपने आप को कॉपी करके और डीएनए बनाता रहता है, और जब भी नया डीएनए कॉपी होकर बनता है तो उस डीएनए को चेक करने के लिए कि उसमें एग्जैक्ट पिछली वाली इंफॉर्मेशन और वही सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज़ में एक चीज़ बनाई है, एक प्रोटीन बनाया, उसका नाम है एंजाइम। वो जो एंजाइम्स हैं वो डीएनए में ट्रैवल करते हैं अप एंड डाउन और चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। जस्ट लाइक एक एडिटर रखते हैं हम जॉब पे, एडिटर रखते हैं कि यार मैंने न्यूज़पेपर छापना है तो ज़रा चेक कर लो कि ये कोई मिस्टेक तो नहीं है, या मैंने एक आर्टिकल लिखा है मैं कहूँगा आप एडिट कर दें इसको। ये जो एंजाइम्स हैं ये एडिट कर रहे हैं डीएनए को। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर कोई मसला आ जाता है, अल्लाह ने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है ताकि एक आइडेंटिकल कॉपी क्विकली और एफिशेंटली बन जाए। एंजाइम्स ये कर रहे होते हैं, और ये विद इन नैनो सेकेंड्स सारा प्रोसेस चल रहा होता है, ये विद इन डेली चल रहा होता है। डेली इंसान के सेल्स और टिश्यूज बन रहे होते हैं, डेली डीएनए एट वर्क होता है, डेली डीएनए एट ग्रोथ होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये सारा मैकेनिज्म जो चल रहा है, इंसान कहता है कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन से बन गया, इंसान कहता है ये सब एक धमाके से बन गया, एवोल्यूशन हुई और बस बाय चांस बन गया। मैं अक्सर गाड़ी जो है उसकी तरफ अगर आप देखें, मैं गाड़ी पर रिसर्च कर रहा था जी ये वाली लूँ ये वाली लूँ, तो गाड़ियों के फ्यूचर्स देखे कि इसमें रडार सिस्टम है, इसमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर आगे से कोई गाड़ी आने लगेगी अचानक खुद ही ब्रेक लगा लेगा, और ये हाइब्रिड 2 जब इंजन शिफ्ट करता है तो इसके पीछे क्या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, ये पेट्रोल को कैसे सेव करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन नोबडी सेड के ये गाड़ी वीजल या दूसरी हाइब्रिड गाड़ीज ये खुद से बन गई हैं, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं इनकी प्रोग्रामिंग हुई है, किसी इंजीनियर ने बैठ के जहन लगाया है, उसने पूरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म लगाया। लेकिन ये इंसानों की बारी पता नहीं क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स तरीन क्रिएचर है इंसान, और इससे भी कॉम्प्लेक्स कायनात, सूरह यासीन में अल्लाह कहता है इनसे पूछो कि तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो कि क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अल्लाह ने तो उन्हें बनाया तो तुम अल्लाह के सामने क्या हो। तो ये हम क्यों कहते हैं कि इंसान नेचुरल सिलेक्शन से बन गया, इंसान जो है वो खुद बन गया, व्हाई, व्हाट्स द प्रेमिस बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीज़न क्या है?
क्या प्रूफ है इसके पीछे कि ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं ये वर्क टुगेदर कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं आपस में हमारा नर्वस सिस्टम, उनमें जो डिफेंस मैकेनिज्म लगा है, जो वाइट ब्लड सेल्स अल्लाह ने रखे हैं जो बैक्टीरिया को फाइट करते हैं, जो फाइट करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को हमारी बॉडी में, वो किसने रख दिए, उनको कौन मैसेज देता है, कौन, किसने ये कोडिंग की हुई है सारी की सारी। सो लुकिंग एट द DNA, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक कि सच सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन कुड कम फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन या मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के अल्फाज हैं। अभी मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, मैं उनका लेक्चर सुन रहा था और उसके अल्फाज हैं ये कि ये पॉसिबल ही नहीं, हम नहीं मानते कि मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन से कोई ऐसी चीज़ जो है वो बन सकती है। DNA के बारे में मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि इट इज़ दी डेंसेस्ट स्टोरेज मैकेनिज्म नोन इन द यूनिवर्स। DNA और USB 32 GB, आजकल चलो 256 GB की USB आ गई है, DNA में कितना डाटा आ सकता है? एक पिन हेड वॉल्यूम ऑफ DNA, पिन जो होती है जो खवातीन हिजाब के लिए लगाती हैं, जो पिन होती है उसका जो हेड है, अगर एक पिन हेड इक्विवेलेंट टू अ पिन हेड वॉल्यूम ऑफ DNA मैं ले लूँ तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ सकती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ बुक्स 500 टाइम्स अर्थ से लेके मून तक जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई बाय 500 करें और उस हाइट पे, उस डिस्टेंस पे आप कितनी किताबें रख सकते हैं आप अंदाज़ा लगा लें, बिलियन ऑफ बुक्स, बिलियन से भी ज़्यादा बुक्स, उन बुक्स में जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आप DNA में इनकोडिंग कर सकते हैं। कितना वॉल्यूम ऑफ DNA, एक पिन हेड वॉल्यूम ऑफ DNA ले लें, उस DNA में कितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है, जितना डिस्टेंस अर्थ से लेकर मून तक है मल्टीप्लाई बाय 500, उस हाइट पर किताबें रख दो वन अबव दी अदर, वो सारी किताबों की इंफॉर्मेशन पिन हेड वॉल्यूम ऑफ DNA में आ सकती है। इस पर अगर कोई मजीद रिसर्च करना चाहता है तो आज ही जाकर पढ़ लें कि कैसे, हाउ का, sciencealert.com एक वेबसाइट है, sciencedigest.com, उस पर ये इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएंगी कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल।